आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में देखेंगे तो जिस प्रकार से अपर लेवल को टच करने के बाद भी उस प्राइस को सस्टेन कर रहा है, इसका सिंपली मतलब ये है कि ये स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। एक ब्रेकिंग न्यूज इस स्टॉक में ट्रेंड होते हुए दिख रहा है कि यस बैंक ने इन्वेस्ट किया है। यहाँ आप लाइव मिंट के एडिटोरियल में पढ़ेंगे अगर गूगल पे सर्च करते हैं कि यस बैंक इन्वेस्ट इट्स स्टार्टअप इनक्यूबेटर वेंचर कैटलिस्ट में इसने इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी के लिए इसने इन्वेस्टमेंट किया है। और साथ में ही देखेंगे तो सुचिता दलाल की तरफ से एक बड़ा ब्लॉग लिखते हुए उसने लिखा है इस बैंक के ऊपर कि फंड रेजिंग रिसेंट में दिखा है, ये लेसन लर्न करना चाहिए फॉर फ्यूचर। और साथ में जो रिकंस्ट्रक्शन का इवेंट है वो बिग टर्न अराउंड स्टोरी यस बैंक के लिए श्योरली होने वाला है। और सेम एज लाइक मैं आपको इस स्टॉक को 12 के प्राइस से रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं, और इस समय देखेंगे इस स्टॉक का प्राइस अराउंड 17 के आसपास है, जो अराउंड 45-50% तक का इजिली रिटर्न होता है। इस समय जिस प्रकार से ये स्टॉक अपर लेवल को होल्ड कर रहा है, यहां से अर्ली प्रॉफिट एग्जिट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। पोजिशन बनाए रखे, इजिली जो टारगेट यस बैंक में है 24-30 तक आपको विद इन मैक्सिमम 3 मंथ के ड्यूरेशन में दिखने वाला है।